कौन है ये वायरल बॉय सोनू और कैसे इतना वायरल हुआ, किसने इसे करवाया इतना वायरल, जानते हैं कुछ डिटेल्स के साथ। और जानते हैं उससे पहले इस वीडियो में आखिर इस वीडियो का वायरल होने का रीजन क्या है, जो बंदा जो वायरल हुआ एक छोटी सी क्लिप की वजह से हुआ काफी वायरल हुआ। ये वक्त सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको इसका फोटो व वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि बंदा ने कुछ किया ही कुछ वैसा जज्बा और बोलने का कुछ एक्सपीरियंस ही उसे इतना वायरल करवा दिया जो कभी आप सोचे। नाम की बात करें तो सोनू कुमार नाम है, उम्र 11 साल, शिक्षा 6 क्लास तक की पढ़ाई है, घर राजकीय बिहार में पड़ता है। बात शुरू हुई थी 14 मई को नालंदा में आयोजित हुए सभा में, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आए थे। उस बच्चे के द्वारा एक वीडियो क्लिप वहीं से कटिंग होता है जब वो बच्चा श्री नीतीश कुमार जिसे कहते हैं अपने शिक्षा को लेकर कि आपके बिहार में शिक्षा इतनी गड़बड़ क्यों है और हम जो पढ़ाई करते हैं उसके अनुसार नहीं होता, जैसा पढ़ाई आपके प्राइवेट में होता है वैसा सरकारी में नहीं होता। वो 30 बच्चे को पढ़ाता भी है, उसका एक ये भी टैलेंट है। और साथ साथ वो बच्चा देखिए पढ़ाता है, साथ में खुद भी पढ़ाई करता है और जो पढ़ के पैसा जो कमाता है वो पैसा उसके पिताजी इन्वेस्ट कर देते हैं अपने दारू शराब में। ये मेन पॉइंट उन्होंने बोला था मुख्यमंत्री जी को, जिसके बाद काफी एक्शन लिया गया इस वीडियो के ऊपर। तो ये वीडियो एक छोटा सा क्लिप वहीं पे किसी मीडिया वाले ने कैप्चर किया था, ये छोटा सा जो इंटरव्यू हुआ था नीतीश कुमार के सामने, इस बंदे ने नीतीश कुमार का इंटरव्यू लिया था समझिए लाइन वॉइस सभा में। और वो वीडियो क्लिप इतना तेजी से वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, भी करोड़ों व्यूज उस वीडियो पे मिले होंगे। और अभी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सभी पे इस बंदे का वीडियो छाया हुआ है, सभी पे इस क्लिप को इस बंदे को देखा जा रहा है और बड़े बड़े हस्तियां भी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। इस बंदे का सोच यही है मैं IAS बनूं, अपने बल पे IAS भी बनूं और किसी के अंदर में काम ना करो, ये उन्होंने तेजस्वी जी को बोला था वीडियो कॉलिंग में। तो ये सब सारा क्लिप मिला जुला के काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जब से मनीष कश्यप ने उसका इंटरव्यू लिया है तब से तो और भी ज्यादा काफी वायरल हो रहा है। तो समझ सकते हैं छोटे से बंदा, 11 साल का बंदा, टैलेंट, 6 क्लास तक का पढ़ाई और पढ़ाता है 10 क्लास तक के बच्चे को, देन उसके बाद इसका बोलने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा टैलेंट जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोग काफी इसकी वीडियो को दबा के शेयर भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों, कुछ ना कुछ जब यूनिक रहता है किसी बंदे के अंदर तो उस टैलेंट को ज्यादा ज्यादा प्रमोट किया जाता है, देन उस वीडियो को काफी वायरल भी होना है और वायरल हो रहा है। और जितने भी अभी वीडियो शूट हो रहा है, बड़े बड़े न्यूज वाले वीडियो बना रहे हैं इसके साथ साथ, इस बंदे के साथ साथ अपने चैनल पर इसको ला रहे हैं, काफी ट्रैफिक मिल रहा है उस वीडियो पे, जिस वीडियो पे ये बंदे का चेहरा दिख रहा है, ब्लॉग चैनल जितने बड़े बड़े चैनल हैं सब कोई अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई ट्रेंड में चलता है तो ट्रेंड का फायदा सब कोई उठाना चाहता है। तो यही एक ट्रेंड है, आप भी अगर उस एरिया से आते हो जहां इस बंदे का घर पड़ता है तो आप भी ब्लॉग शूट कर सकते हो उस बंदे के साथ, ब्लॉग आपका काफी मीडियंस में जाएगा, देन इसका इंटरव्यू लेके वीडियो को बना के डाल सकते हो, क्योंकि ये कीवर्ड अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है, वायरल बॉय सोनू। तो इस कीवर्ड का अभी हर कोई यूज करना चाह रहा है, अब वो किस तरह से यूज करेगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने कुछ डिटेल्स रखा यहाँ पे इस बंदे के बारे में, तो कोई जो वायरल हुआ दोस्तों ये ट्रेंडिंग कुछ दिन तक चलेगा, 10 से 15 दिन तक, और ये मुश्किल से 10 दिन और ट्रेंड में चलेगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, जब इसके बाद हट जाएगा। तो इस ट्रेंड का फायदा आप भी उठाओ। मैंने इस ट्रेंडिंग से रिलेटेड इस बंदे का पूरा डिटेल्स बताया, इसका घर जो है राजगीर में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, देन इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है काफ़ी गरीब है, काफ़ी गरीबी में है। और बंदा जब से ये वायरल हुआ इसका वीडियो, ये छोटा सा क्लिप किसी मीडिया ने डाला था, वो जो क्लिप वायरल हुआ है तब से ये बंदा काफ़ी सुर्खियों में आ गया। और आए भी क्यों ना, बच्चे का बोलने का तरीका और जज्बा जो होता है वो काफी यूनिक और काफी खतरनाक है। तो इन सब चीजों को पसंद करते हुए लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर रहे हैं और इस बच्चे को काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और हर कोई इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई बोल दिया इन्होंने सरकार गवर्नमेंट के आगे में। 11 साल का बच्चा बोल देना और इतना बड़ा क्लिप, इतना बड़ा मुद्दा को बोल देना, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर अभी काफी एक्शन मिलेंगे हमारी बिहार की सरकार जो भी है। एंड देन इस बच्चे का जो है डिटेल्स यही थी और ये बच्चे अभी काफ़ी आगे बढ़ेगा, देखिए आगे क्या क्या होता है सोशल मीडिया पे। और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हो सकता है सॉन्ग ना बन जाए, इसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स भी वायरल हो गए और बंदे खुद भी कोई सॉन्ग गा देगा, कोई वीडियो भी इसके साथ क्रिएट हो जाएगा। तो कोई ना कोई दोस्तों इंटरटेन में ये कैटेगरी बदल जाएगा, ठीक है, ये कैटेगरी था एक पॉलिटिशियन में लेकिन ये अब इंटरटेन में बदलता दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस का प्यार और पब्लिक का प्यार है और जिस वजह से ये वीडियो है काफ़ी बच्चों का वायरल हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल होता है, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, कौन कब कब कैसे वायरल हो जाए ये कोई नहीं जानता, बस आपके अंदर का टैलेंट है तो उस टैलेंट को यहाँ पे दिखाते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपका टैलेंट कब क्या पता लाखों लोगों को पसंद आ जाए। तो मैं अपने वीडियो से चल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।